तो गाइस 12 बज चुके हैं और हमारा जो वीकली सेशन है उसका टाइम हो चुका है। मेरा नाम है मीनम और अब से हम लोग सैटरडे को 12 बजे मिलेंगे। हमारा जो वीक का जो रिवीजन होता है टॉपिक वाइज, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं, जो भी हमने करंट के क्वेश्चंस उस वीक के दौरान डिस्कस किए थे। तो इस वीक हम 6 to 12 मार्च का जो भी रिवीजन है उसको करेंगे। तो फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए सो दैट और लोग भी इसका हिस्सा बन सके। इसमें थोड़ी स्पीड रहेगी सेशन में। हम अप्रॉक्सीमेटली 90 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एक साथ। तो अपना स्कोर चेक करिए, सेशन को पूरा अटेंड करिए। और मैंने 2 दिन पहले लास्ट वीक का सेशन भी लिया था, बिकॉज़ लास्ट वीक हो नहीं पाया था, आई वॉज नॉट अवेलेबल। तो उसको भी देखिए जाके, और इसका PDF भी हम आपको अवेलेबल कराएंगे। बट आफ्टर द सेशन मैं आपको बताऊंगी कि PDF आपको कैसे मिलेगा। तो चलिए फटाफट से शुरू कर देते हैं हमारा सेशन। और हाँ, अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम एम्बिशियस बाबा है और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि हम जब भी लाइव होते हैं, हमारी और क्लासेस भी चलती हैं, तो अगर आप उनका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्या हम अपना सेशन स्टार्ट कर दें फटाफट से? चलिए जी, सेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो ज़रा तैयारी कर लीजिए क्वेश्चंस के आंसर्स देने की फटफट से, ठीक है, और अपना स्कोर चेक करने की। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक दैट वी विल बी डीलिंग इज रिलेटेड टू नेशनल न्यूज़। तो हमारी राष्ट्रीय न्यूज संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हमने किए थे सबको एक साथ कर लिया जाए, ठीक है? तो भैया पहला क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन पढ़िए फटाक से आंसर दीजिए। राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी विद ₹100 करोड़ बजट इन इट्स बजट 22-23। हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ राजस्थान? तो राजस्थान सरकार ने अपने बजट 22-23 में 10 करोड़ रुपए के बजट के साथ ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? बैजू भाई वाला, बंडारू दत्तात्रेय, भगत सिंह कोश्यारी, नजमा हेपतुल्ला या कलराज मिश्र? तो आपको आंसर देना है। प्लस अगर आपको स्टेट एग्जाम देते हैं और राजस्थान स्टेट एग्जाम दे रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? चलो, द राइट आंसर इज ई वाला, इट्स कलराज मिश्र, ठीक है? चलिए लेट्स मूव अहेड, अगला क्वेश्चन फटाक से पढ़ो, आंसर दो, ठीक है? तो 90 क्वेश्चंस हैं अप्रॉक्सीमेटली जिन्हें हम डिस्कस करेंगे सेशन में, और कोशिश करेंगे पूरा सेशन कंप्लीट करें, ठीक है? चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन। विच स्टेट बिकेम द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन इंडिया विद अ पॉपुलेशन ओवर 1 करोड़ इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइजेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में मामले में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाला भारत में कौन सा राज्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है पर कैपिटा स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है? तो देखते हैं ज़रा कौन सा ये राज्य है। कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? चलिए बात करते हैं इसके बारे में। द राइट आंसर इज बी वाला, विच मीन्स वॉट, तेलंगाना, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले बता दूं, तेलंगाना ने टॉप किया है किसमें? पॉपुलेशन ओवर 1 करोड़ इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइजेस बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ जी, इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है? इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोरेज एंड री गैसिफिकेशन यूनिट हॉग जायंट विद सेल फ्रॉम केपल शिपयार्ड सिंगापुर हैज़ रिसेंटली अराइव्ड एट एच एनर्जी जयगढ़ टर्मिनल इन कहाँ? जयगढ़ आपको पता होना चाहिए कहाँ है, ठीक है? चलिए देखते हैं कि राइट आंसर है क्या। इंडिया भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज एंड गैसिफिकेशन यूनिट होएग जॉइन जो केपल शिपयार्ड सिंगापुर से रवाना हुई, हाल ही में डैश में एच एनर्जी के जयगढ़ टर्मिनल में पहुंची है। तो गुजरात, ठीक है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कहाँ है ये जयगढ़ आपको बताना है, ठीक है? हिमाचल प्रदेश, फिर है मध्य प्रदेश और फिर है आपका महाराष्ट्र, ठीक है? तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्या जी, ज़रा फटाक से देख लें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है।
गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? ठीक है, तो अपना स्कोर चेक करते रहिएगा, ठीक है? चलिए देखते हैं, द राइट आंसर इज ई वाला, इट्स महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट विद एन आउटले ऑफ रुपीस कितना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश रुपए के परिव्यय के साथ पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया है। ₹10,320 करोड़, ₹11,420 करोड़, ₹12,540 करोड़, ₹13,690 करोड़ या ₹15,830 करोड़। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है कितना परिव्यय इसके लिए किया है या कितना फिनेंशियल आउटले है आपका ये पुणे रेल मेट्रो प्रोजेक्ट का। ठीक है, और पहली बार इसमें मैंने आपको बताया था एल्युमिनियम कोचेस का भी इस्तेमाल किया जाएगा, है ना? द राइट आंसर इज बी वाला, 11,420। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नरेंद्र मोदी ये इनॉग्रेशन कर रहे हैं 11,420 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, चलो। इंडिया ग्लोबल फोरम्स एनुअल समिट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज इन डैश। इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन डैश में आयोजित किया गया, नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे। तो इंडिया ग्लोबल फोरम का एनुअल समिट कहाँ है, देखो तो ज़रा। द राइट आंसर इज डी वाला, ठीक है, डी मीन्स वॉट, बेंगलुरु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम टू प्रोवाइड सपोर्ट टू वुमेन ऑन्टरप्रनोर्स ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है? महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा? चलो देखते हैं कौन सा है। द राइट आंसर इज ई वाला, इट्स हरियाणा। ठीक है, तो मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम, इसमें जो आपकी फीमेल्स हैं उनको दोबारा से जॉब ज्वाइन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, और 8 मार्च को ये किया गया है। ठीक है, चलिए, और इसमें उनको लोन्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाएंगे। चलो, विच स्टेट गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट अम्मा योजना, अ स्कीम फॉर हेल्पिंग नॉन वर्किंग मदर्स एंड बाहिनी स्कीम बेनिफिटिंग गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द स्टेट? तो बता दिया, अम्मा योजना ना आपकी जो नॉन वर्किंग मदर्स हैं उनके लिए, और बाहिनी स्कीम जो बच्चियां स्कूल में पढ़ती हैं उनके लिए, जो स्कूल छोड़ देती हैं ड्यू टू जो आपकी जो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैं उनके ना होने की वजह से, अच्छी फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से। कौन सी राज्य सरकार गैर कामकाजी माताओं की मदद करने के लिए एक योजना, अम्मा योजना, और राज्य की छात्राओं को लाभान्वित करने वाली बहिनी योजना लागू करेगी? आंध्र प्रदेश, सिक्किम, गुजरात, बिहार या मेघालय? चलो देखो कौन सा है। द राइट आंसर इज बी वाला, इट्स सिक्किम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव हैज लॉन्च द डोनेट ई पेंशन प्रोग्राम अंडर द प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन पेंशन स्कीम, PMSYM स्कीम वॉज लॉन्च इन विच ईयर? तो केंद्रीय श्रम और एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन पेंशन योजना के तहत दाने पेंशन कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो PMSYM योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी, 14, 16, 17, 19 या 20? द राइट आंसर इज डी वाला, इट्स 2019। ठीक है, चलो। माइक्रोसॉफ्ट हैज अनाउंस टू सेटअप इंडियाज लार्जेस्ट डेटा सेंटर रीजन, कहाँ पे? भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर रीजन कहाँ स्थापित करेगा माइक्रोसॉफ्ट? नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, देन गुजरात, देन पुणे? तो देखते हैं कहाँ करेगा। द राइट आंसर इज सी वाला, ठीक है, इट्स हैदराबाद।
आओ आगे बढ़ें। विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च द कौशल्य मातृत्व योजना बाय हैंडलिंग चेक्स ऑफ ₹5,000 ईच टू 5 वुमेन बेनिफिशरीज फॉर द सेफ मदरहुड प्रैक्टिसेस। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुरक्षित मातृत्व प्रथाओं के लिए 5 महिला लाभार्थियों को ₹5,000 के चेक सौंपकर कौशल्य मातृत्व योजना शुरू की है? महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल या फिर कर्नाटका? आओ देखें, द राइट आंसर इज सी वाला, इट्स छत्तीसगढ़। ठीक है, भूपेश बघेल ने योजना स्टार्ट की है, ठीक है, जिसके तहत तो 5,000 के चेक्स 5 महिलाओं को प्रदान करेंगे ताकि वो अपना जो भी मदरहुड है वो सही से सेफली प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹150.4 करोड़ एस्टैब्लिश इन सदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड फैक्ट्री एट थोथुकुडी टू प्रोवाइड क्लीन एनर्जी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए थोथुकुडी में दक्षिणी पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड कारखाने में स्थापित 150.4 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा या तमिलनाडु? तो चलिए देखते हैं, द राइट आंसर इज ई वाला, इट्स तमिलनाडु। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनवील्ड 9.5 फीट टॉल स्टैचू ऑफ ग्रेट मराठा वॉरियर छत्रपति शिवाजी इन डैश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की 9.5 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। कहाँ? नासिक महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र या औरंगाबाद महाराष्ट्र? आपको मुझे बताना है कहाँ पे किया है। तो जल्दी जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ओके, चलो देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 टू 25-26 विद एन टोटल आउटले ऑफ रुपीज कितना? केंद्र सरकार ने स्वतंत्र सैनिक सम्मान योजना को वित्तीय वर्ष 21-22 से 25-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है, जिसका कुल परिव्यय कितना है? 1,000 करोड़, 18-10 करोड़, 2,000 करोड़, 32-74 करोड़ या 41,00 करोड़? ठीक है, तो ये आपका वीकली सेशन है, फटाफट से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 90 क्वेश्चन करेंगे हम आज। तो द राइट आंसर इज डी वाला, 3,274 का क्या है कुल परिव्यय है या फाइनेंशियल आउटले है किसका? स्वतंत्र सैनिक सम्मान योजना, जो कि पेंशन योजना है फ्रीडम फाइटर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर हैज प्रेजेंटेड ₹51,365 करोड़ स्टेट बजट 22-23 इन द स्टेट असेंबली हिमाचल प्रदेश, एंड इंक्रीज इन द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ₹1.80 करोड़ टू ₹ हैज बीन प्रपोज इन द बजट। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य विधानसभा हिमाचल प्रदेश में 51,365 करोड़ रुपये का राज्य बजट 22-23 पेश किया है। बजट में सदस्य विधानसभा स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को मौजूदा 1.80 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव किया गया है? तो आपको बताना कितना कर दिया गया है। आओ देखें, 2.0, 2.3, 2.4, 2.5 या 2.6 crores? द राइट आंसर इज ए वाला, इट्स 2.0 करोड़। तो 1.80 से बढ़ा के 2.0 करोड़ कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पाले प्रगति या पटनी प्रगति आर द स्कीम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो ये कौन से प्रदेश की स्कीम्स हैं आपको बताना है मुझे, कर्नाटक, तेलंगाना
या फिर आपका उड़ीसा या तमिलनाडु या फिर आपका केरला, ठीक है। तो ये रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ को डेवलप करने की स्कीम है, कौन से प्रदेश की, ज़रा देखें। तो द राइट आंसर इज बी वाला, इट्स तेलंगाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं, तेलंगाना इज द राइट आंसर शुभेंदु। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें एक वीडियो भी बनाऊंगी बहुत जल्द, ठीक है, अलग से। इंडियाज लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज बींग बिल्ड बाय बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन इन डैश। बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा डैश में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी सोई हुई मुद्रा में प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जाएगा, ठीक है। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो मोदी जी तो झटपट लगे हुए हैं, या तो कुछ रैली कर रहे हैं, या इनॉग्रेट कर रहे हैं डेवलपमेंट वर्क, या किसी मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, रेल को हरी झंडी दिखा रहे हैं। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, एंड कल तो क्या कहते हैं, कमाल कर दिया है ना, यूपी, मणिपुर और आपका क्या उत्तराखंड, एंड फिर कौन सा, गोवा, यूपी, क्या कहते हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट एकदम छा गई है ना। अरे क्वेश्चन का आंसर तो दे दे हम आपको। तो बोध गया बिहार, कुशीनगर बिहार, सारनाथ बिहार, केसरिया बिहार, नालंदा बिहार, तो कहाँ ये बनाया जा रहा है, और लेटी हुई मुद्रा में, ये पोस्चर में, ये बुद्धा जी का क्या कहते हैं आपका ये है, और इसका क्या है आंसर, बोध गया बिहार, ठीक है, बोध गया बिहार में ये मनाया जा रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च वुमेन एट वर्क एट द रेट वर्क प्रोग्राम टू प्रोवाइड 5 लाख जॉब्स विद इन 2026 टू वुमेन विद नेसेसरी एम्प्लॉयबल स्किल्स, ठीक है। चलो देखते हैं क्या हो सकता है ये। किस राज्य सरकार ने आवश्यक रोजगार योग्य कौशल वाली महिलाओं को 2026 के भीतर 5 लाख रोजगार प्रदान करने के लिए वेमेन एट वर्क कार्यक्रम शुरू किया? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, उड़ीसा या तमिलनाडु, ठीक है। तो इसका आंसर देना है फटाफट से आपको मुझे, और वीकली सेशन है, चलो देखते हैं जरा। द राइट आंसर इज बी वाला, इट्स कर्नाटका, ठीक है। तो कर्नाटका के लिए ये वेमेन एट वर्क प्रोग्राम स्टैब्लिश किया गया है। चलो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कर्नाटका की और स्कीम, ग्राम वन प्रोग्राम, जनसेविका स्कीम और जन स्पंदना प्लेटफॉर्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बीच बीच में सेशन को लाइव भी जरूर करिएगा। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज अनाउंस द सुषमा स्वराज अवार्ड फॉर वुमेन फॉर द सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स और कॉन्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ इन द इंटरनेशनल एंड नेशनल स्फेयर्स। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्षेत्रों में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों या योगदान के लिए महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात या हरियाणा? तो ऐसा होगा जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है और सुषमा स्वराज जी, ई हरियाणा ने ये घोषणा की है। सुषमा स्वराज जी दूसरी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी, किसके बाद, इंदिरा जी के बाद, इंदिरा गांधी के बाद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ स्पेशल स्कीम मुख्यमंत्री चा श्रमी कल्याण प्रकल्प अलॉटिंग ₹85 करोड़ फॉर इज इम्प्लीमेंटेशन एज अ स्टेप टूवर्ड्स ब्रिंगिंग द 7,000 टी गार्डन वर्कर्स एंड सोशल सिक्योरिटी नेट। किस राज्य सरकार ने 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने में की दिशा में एक कदम के रूप में इसके कार्यान्वयन के लिए 85 करोड़ रुपये आवंटित करते हुए एक विशेष योजना मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प की घोषणा की? त्रिपुरा, असम, तमिलनाडु, कर्नाटक या सिक्किम? तो टी वर्कर्स, जो टी गार्डन वर्कर्स हैं, उनको फोकस करते हुए ये स्कीम लॉन्च की गई है, एंड द राइट आंसर इज त्रिपुरा। सुबह ही मैंने बताया था इसके बारे में, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिराजय सिंधिया हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ड्रोन स्कूल वेयर, कहाँ? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में डैश में पहली ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है, कहाँ किया है ये आपको मुझे बताना है। चलो देखें कहाँ किया है, वडोदरा, पटना, ग्वालियर, गुवाहाटी या भोपाल? द राइट आंसर इज सी वाला, इट्स ग्वालियर, ठीक है।
चलो आगे बढ़े। इंडिया का फर्स्ट 100% वुमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क बिकेम ऑपरेशनल इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? ये भी सुबह बताया था मैंने आपको। तो भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क निम्नलिखित में से किस शहर में चालू हुआ है? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद या हैदराबाद? देखो कहाँ। द राइट आंसर इज ई वाला, इट्स हैदराबाद। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड। और इसको फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, हैदराबाद में स्टैब्लिश करने के लिए, जिसकी प्रेसिडेंट उज्ज्वला सिंघानिया है। तो गाइज ये तो था हमारा नेशनल न्यूज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन एक साथ। अब आ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो कि है इंटरनेशनल न्यूज रिलेटेड। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो भी न्यूज हमने डिस्कस किए हैं इस वीक के दौरान, उनको एक साथ ले लेते हैं। द फिफ्थ सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली वॉज हेल्ड इन हाइब्रिड फॉर्म इन डैश। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का पांचवा सत्र डैश में संकर रूप में आयोजित किया गया। हेलसिंकी, बर्लिन, नैरोबी, लिस्बन या मॉस्को? ठीक है, अच्छा देखें जरा क्या है। सी इज द राइट आंसर, इट्स नैरोबी। तो पांचवा सत्र यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली का नैरोबी में किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़िए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड द होस्ट कंट्री अग्रीमेंट विद इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर ऑफ ITU इन न्यू दिल्ली। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ITU? भारत सरकार ने नई दिल्ली में ITU के एक क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ के साथ मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ITU का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टरडैम नीदरलैंड, एटलांटा जॉर्जिया US, ग्लासगो स्कॉटलैंड, देन यू हैव रोम इटली, फिर है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है, और फिर है क्या आपका, देखो क्या है आंसर इसका जी, देखें। तो द राइट आंसर इज ई वाला, विच मीन्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में ITU का हेडक्वार्टर है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे भी अलग से वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है, अगले 1 से 2 दिन में डालते हैं। विच कंट्री हैज बीन रिसेंटली प्लेस्ड ऑन द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट? हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में रखा गया है? कतर, ओमान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स? द राइट आंसर इज ई वाला, इट्स UAE। तो UAE को हाल में FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो मनी लॉन्ड्रिंग से डील करती है, ठीक है, के खिलाफ डील करती है, तो उसकी जो ग्रे लिस्ट है उसमें इसको डाल दिया गया है। और आप जानते हैं UAE में किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाया जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी जो फर्जी कंपनियां हैं वहां रजिस्टर्ड हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की बहुत एक्टिविटीज़ रजिस्टर हुई हैं, तो इस वजह से UAE को इस लिस्ट में रखा गया है और UAE ने कहा वो टैक्सेस लगाना शुरू करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री विल होस्ट अ वर्चुअल मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स फ्रॉम द G7 कंट्रीज टू डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी? विश्व खाद्य सुरक्षा पर रूस यूक्रेन संघ के प्रभाव पर चर्चा करने के लिए कौन सा देश G7 देशों के कृषि मंत्रियों की एक आभासी बैठक की मेजबानी करेगा? जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, US या UK? द राइट आंसर इज ए वाला, इट्स जर्मनी। तो जर्मनी G7 देशों की ये मीटिंग को क्या करेगा, होस्ट करेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कुछ चीज़ें जब हम डेली सेशन में इलाबरेट करके पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें मेंशन भी हैं, बाद में आप दोबारा से सेशन ज्वाइन करके इसको पढ़ सकते हैं, और नहीं तो PDF में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमिटी हैज़ बैन द एथलीट एंट्रीज फ्रॉम रशिया एंड बेलारूस फॉर द बीजिंग 2022 विंटर पैरालंपिक्स ड्यू टू द वॉर इन यूक्रेन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमिटी? तो अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक्स समिति का मुख्यालय कहाँ है? और रशिया बेलारूस को बैन कर दिया, आप जानते ही क्यों, यूक्रेन पे, क्योंकि रशिया ने चढ़ाई कर दी और बेलारूस सपोर्ट कर रहा है उसको।
तो मॉन्ट्रियल कनाडा, लॉसियाना स्विट्जरलैंड, बॉन जर्मनी, कोलालंपुर मलेशिया या म्यूनिक जर्मनी। तो कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक्स कमेटी, नॉट ओलंपिक्स कमेटी, पैरालंपिक्स कमेटी का है बॉन जर्मनी में मुख्यालय। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन। इंडिया एंड बांग्लादेश विद विच कंट्री हैव फाइनलाइज एंड इनेबलिंग एमओयू फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लॉन्गेस्ट गेस्टेटिंग बीबीआईएन मोटर व्हीकल अग्रीमेंट टू बूस्ट ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। भारत और बांग्लादेश ने किस देश के साथ व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए लंबे समय तक चलने वाली बीबीआईएन मोटर वाहन समझौते को लागू करने के लिए एक सक्षम समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया है? भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका या अफगानिस्तान? तो भाई इसका सही उत्तर है आपका सी वाला, इट्स नेपाल। ठीक है, चलो, और भूटान इसमें ऑब्जर्वर मेंबर के रूप में पार्टिसिपेट कर रहा था। विद विच कंट्री इंडिया हैज साइंड एन एमओयू ऑन कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन? तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग के लिए एमओयू किसके साथ साइन किया है? सऊदी अरेबिया, यूएई, इंग्लैंड, सिंगापुर या फिर यूएस? द राइट आंसर इज डी वाला, ठीक है, इट्स सिंगापुर। चलो लेट्स मूव अहेड। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हैज अप्रूव्ड हाउ मच इमरजेंसी सपोर्ट फॉर यूक्रेन टू फाइनेंस एक्सपेंडिचर्स एंड शोर अप द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूक्रेन को व्यय के वित्त पोषण और भुगतान संतुलन को बढ़ाने के लिए कितनी आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी है? 1.0 बिलियन, 1.4 बिलियन, 2.1 बिलियन, 3.2 बिलियन या 3.7 बिलियन? चलो देखें, द राइट आंसर इज बी वाला, इट्स 1.4 मिलियन दिया है, अप्रूव किया है इमरजेंसी सपोर्ट यूक्रेन के लिए। ठीक है, कीव राजधानी है और जेलेंस्की क्या है, राष्ट्रपति हैं जो लगे हुए हैं, लड़ रहे हैं रशिया के खिलाफ। चलिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल हैव साइन 1 to 5 मिलियन लोन विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट एफर्ट्स टू हेल्प पुअर एंड वल्नरेबल ग्रुप्स एक्सेस सोशल प्रोटेक्शन सर्विसेज इन वेस्ट बंगाल। भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल में गरीब और कमज़ोर समूहों को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंचने में मदद करने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए किस संगठन के साथ $125 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, AIIB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, किसके साथ किया है? ठीक है, सुबह ही मैंने बताया था, तो ये लोन जो है किसने दिया है वेस्ट बंगाल को? द राइट आंसर इज वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का जो IBRD है, ठीक है, उसने ये लोन सैंक्शन किया है वेस्ट बंगाल के लिए, और वर्ल्ड बैंक के कुछ हाल फिलहाल के और लोन्स हैं ये यहाँ मेंशन है, अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बाद में आके पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो आ जाओ, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जेट एयरवेज लिमिटेड? तो जेट एयरवेज लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रवि चोपड़ा, विपुल गुनेतिलका, विनीत जोशी, पीपी सिंह, संजीव कपूर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में बात करते हैं। द राइट आंसर इज ई वाला, इट्स संजीव कपूर। ठीक है, संजीव कपूर को अपॉइंट किया है CEO जेट एयरवेज का। आओ आप इनको देख सकते हैं, कुछ और चीज़ें मेंशन हैं जेट एयरवेज के बारे में, बाद में पढ़ लेना यहाँ पे आके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन हमारे बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ यहाँ पे, है ना। चलो, तो अप्रॉक्सीमेटली 90 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी PDF मिलेगा आपको। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिजाइंड एज द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एट द सुप्रीम कोर्ट? तो निम्नलिखित में से किसने सर्वोच्च न्यायालय में भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद से इस्तीफा दे दिया है? तुषार मेहता, नहीं, दीपक दास, सुरेश एन पटेल, अमन लेखी या सुशील चंद्रा? तो सॉलिसिटर जनरल ने रिजाइन कर दिया है भाई, तो अमन लेखी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाईकोर्ट? तो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
सुधांशु धूलिया, मुनीश्वर नाथ भंडारी, मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव, राजेश बिंदल, प्रशांत कुमार मिश्रा. द राइट आंसर इज सी वाला, इट्स मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव. ठीक है, आगे बढ़ो. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलिएट ट्रिब्यूनल, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंदु मल्होत्रा, रघुवेंद्र तनवर, सुधा रघुनाथन, धीरू भाई नारायण भाई पटेल या अनूप बागची. देखें, द राइट आंसर इज डी वाला. ठीक है, धीरू भाई नारायण भाई पटेल. ठीक है, चलो. नेम द फॉर्मर उजीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक सीईओ हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू ड्राइव डिजिटल बैंकिंग ऑपरेशन. उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक के पूर्व सीईओ का नाम बताइए जिन्हें डिजिटल बैंकिंग संचालन को चलाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है. दिनेश कुमार खार, कैरल फुटाडो, एम राजेश्वर राव, राजकिरण राय जी या नितिन चुग. द राइट आंसर इज ई वाला, इज राजकिरण राय जी. ठीक है, चलो. एक सेकेंड. मुझे लगा था कि कुछ गड़बड़ हुआ है इसमें. ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ किया है मैंने, और वो क्या किया है? एक सेकेंड. अरे बाबा, डिलीट तो कर दें इसको. हाँ जी, ई वो बोल रहे हैं और बोल रहे हैं राजकिरण राय जी, है ना. इट्स नितिन चुग. रुक जाओ बाबा, एक सेकेंड. हाँ जी, आ गया अब. ठीक है, चलो अब देख लेते हैं. तो मैंने आपको क्या बताया, ई वाला ऑप्शन, इट्स नितिन चुग. ठीक है, समटाइम्स क्या होता है, वो टेक्निकल इशू आ जाता है. चलो, तो नितिन चुग को बनाया गया है डिप्टी एमडी ऑफ एसबीआई. एसबीआई के जो और एमडीज हैं उनका नाम सुनो, अश्वनी भाटिया, सी एस सेठी, स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्वनी कुमार तिवारी. ठीक है, दिनेश कुमार खार चेयरमैन है. आओ आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन. तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम प्रेसिडेंट ऑफ द एफएटीएफ. देखो, अभी एफएटीएफ के बारे में थोड़ी देर पहले बात की थी, अभी एक और बात कर लेते हैं. टी राजकुमार, मुकमीत एस भाटिया, रजनीश कुमार, अमित चड्डा, उर्जित पटेल. ठीक है, जरा देखो कौन. तो गाइज, जुड़े रहिए हमसे चैनल के साथ, टेलीग्राम, इंस्टा और फेसबुक सब पे. और फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर देंगे हम. द राइट आंसर इज ए, एच टी राजकुमार. तो एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट फाइट करती है, एआई संस्था है. तो टी राजकुमार इसके अध्यक्ष बने हैं. ठीक है, चलो. सिंगापुर के हैं वो. ठीक है, टी राजकुमार. आओ आगे बढ़े. तो ब्रांड एम्बेसडर ल्यूपिन लिमिटेड विमेन्स कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ अवेयरनेस इनिशिएटिव शक्ति कैंपेन की कौन बना है? ठीक है, आपको नाम बताना है उनका. शक्ति कैंपेन है ये, ल्यूपिन लिमिटेड वुमेन्स कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ अवेयरनेस इनिशिएटिव का. और 9 मार्च को ये घोषणा की गई थी, वुमेन्स डे के दिन. पीवी सिंधु, मैरी कॉम, वंदना कटारिया, दिशा पटनी, भूमि पडनेकर. तो द राइट आंसर इज बी वाला, इट्स मैरी कॉम. ठीक है, तो भारत की शान मैरी कॉम. ठीक है, जो कि 6 बार बॉक्सिंग चैंपियन रह चुकी हैं, बनी है ब्रांड एम्बेसडर. और हाल फिलहाल के कुछ ब्रांड एम्बेसडर के नाम भी दिए हुए हैं, आप इसको बाद में पढ़ लीजिएगा. ठीक है, कहाँ से, पीडीएफ नहीं तो यहाँ पॉज करके पढ़ लीजिएगा, बाद में, अभी नहीं, अभी कुछ सेशन पूरा करेंगे. देखो क्या लिखा है, किसे अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर, ये तो मैंने आपको ही बता दिया ना. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन. कमांडेंट एयरफोर्स अकेडमी इंडियन एयरफोर्स कौन बना है? कमांडेंट एयरफोर्स अकेडमी इंडियन एयरफोर्स कौन बना है? श्री हरिलाल शर्मा, वी एस पठानिया, बी चंद्रशेखर, उदयन बनर्जी या राजेश रंजन. बताओ कौन. तो द राइट आंसर है सी वाला. ठीक है, आओ आगे बढ़े. सेबी का होल टाइम मेंबर किसको बनाया गया है?
अश्विनी कुमार तिवारी, अश्विनी भाटिया, सी एस शेती, स्वामीनाथन जानकी रमन, दिनेश कुमार खार, ये सारे एमडीज हैं किसके, आपके एसबीआई के, और दिनेश कुमार खार तो चेयरमैन है एसबीआई के। तो द राइट आंसर इज बी वाला, इस अश्वनी भाटिया को बनाया गया फुल टाइम मेंबर सेबी का, ठीक है, सुबह ही बताया था मैंने। देखिए सेबी का ये एमडी हैं और सीईओ एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के, और इनको एमडी हाल ही में बनाया गया था एसबीआई का। चलो अगला क्वेश्चन, सीईओ और एमडी कोलगेट पामोलिव लिमिटेड का कौन? टी राजकुमार, अमन लेखी, प्रभा नरसिम्हन, डी एन पटेल, माधावी पुरी बुक, ठीक है। तो अगर पूरा सेशन आप देख रहे होगे तो यहाँ गेस कर सकते हो क्या हो सकता है राइट आंसर। द राइट आंसर इज सी वाला, इज प्रभा नरसिम्हन, ठीक है, लेट्स मूव अहेड। तो भाई आ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक, बैंकिंग और फिनेंशियल अवेयरनेस रिलेटेड जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं उनको हम एक साथ डिस्कस करेंगे। टोन टैग हैज पार्टनर्ड विद विच पेमेंट्स बैंक एंड एन पी सी आई टू लॉन्च इट वॉइस से यू पी आई पेमेंट सर्विस फॉर फीचर फोन यूजर्स। टोन टैग ने फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए अपनी वॉइस से यू पी आई भुगतान सेवा शुरू करने के लिए किस पेमेंट्स बैंक और एन पी सी आई के साथ भागीदारी की है? पेमेंट्स पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, एन एस डी एल पेमेंट्स बैंक, जियो पेमेंट्स बैंक या इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। द राइट आंसर इज सी वाला, इज एन एस डी एल पेमेंट्स बैंक, ठीक है, जो फीचर फोन्स के लिए ये जिससे आप पेमेंट्स कर सकते हैं यू पी आई के इस्तेमाल के द्वारा, तो ये मिस कॉल सर्विस है, मैंने सुबह आपको इसके बारे में बताया था। चलो क्वेश्चन, तो विच बैंक हैज साइंड एम ओ यू विद आई पी ई ग्लोबल लिमिटेड फॉर स्ट्रेंथनिंग इंडियाज हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बाय प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल फाइनेंस अप टू 150 मिलियन थ्रू समृद्ध, ठीक है। तो किस बैंक ने समृद्ध के माध्यम से 150 मिलियन तक का किफ़ायती वित्त प्रदान करके भारत के स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए आई पी ई ग्लोबल लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आई सी आई सी आई, एक्सिस बैंक, एच डी एफ सी बैंक, आर बी एल बैंक या येस बैंक? द राइट आंसर इज बी वाला, इट्स एक्सिस बैंक, ठीक है, कहाँ गया ये रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो 90 क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली। Which company has partnered with Indian Railway Catering and Tourism Corporation to offer digital ticketing services to consumers through automatic ticket vending machines installed at railway stations across India? भारत भर के रेलवे स्टेशनों पर स्थापित स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनों के माध्यम से उपभोक्ताओं की को डिजिटल टिकटिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम के साथ भागीदारी की है? आओ देखें हाई एडवेंचर। अच्छा चलो देखें जरा क्या आंसर दिया है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजोन पे या भारत पे? यस बिल्कुल सही, द राइट आंसर इज पेटीएम, ठीक है। चलो आगे बढ़े, पढ़ो जरा अगला क्वेश्चन। विच कंपनी हैज साइंड अ पावर व्हाट पावर पावर परचेज अग्रीमेंट विद हरियाणा पावर परचेज सेंटर फॉर सप्लाई ऑफ 240 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर? 240 मेगावाट पन बिजली की आपूर्ति के लिए हरियाणा पावर प्रोजेक्ट सेंटर के साथ किस कंपनी ने बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अदानी पावर, जे एस डब्ल्यू एनर्जी, रिलायंस एनर्जी, न्यू एनर्जी, तोशिबा या टाटा पावर? द राइट आंसर इज बी वाला, इज जे एस डब्ल्यू एनर्जी, ठीक है। गूगल क्लाउड हैज एंटर्ड इनटू अ मल्टी ईयर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद विच कंपनी टू हेल्प फास्ट ट्रैक कंपनीज इनोवेशन एंड क्लाउड स्ट्रैटेजी। गूगल क्लाउड ने कंपनी के नवाचार और क्लाउड रणनीति को फास्ट ट्रैक करने में किस कंपनी के साथ बहुवर्षीय रणनीतिक साझेदारी की है? पेटीएम, बाइजूस, फ्लिपकार्ट, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या अमेजोन? आओ देखें, द राइट आंसर इज सी वाला, इट्स फ्लिपकार्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच म्यूचुअल फंड हैज लॉन्च अ वुमेन लेड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट इनिशिएटिव लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी विच विल कनेक्ट वुमेन इन्वेस्टर्स टू अ वुमेन फाइनेंशियल एक्सपर्ट नियर देम थ्रू अ यूनिक मिस्ड कॉल सर्विस?
ठीक है, तो किस म्यूचुअल फंड ने महिलाओं के नेतृत्व वाली वित्तीय सशक्तिकरण पहल लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी शुरू की है, जो एक अद्वितीय मिस कॉल सेवा के माध्यम से महिला निवेशकों को उनके पास एक महिला वित्तीय विशेषज्ञ से जोड़ेगी? ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, HDFC, एक्सेस म्यूचुअल फंड, UTI एसेट मैनेजमेंट या येस म्यूचुअल फंड? तो लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी है बी, HDFC म्यूचुअल फंड का, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च अ बुकलेट नेम बी वेयर टू एनहांस पब्लिक अवेयरनेस अबाउट फाइनेंशियल फ्रॉड्स परपीट्रेटेड टू ऑन ड्यूलेबल कस्टमर्स, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ RBI? भारतीय रिजर्व बैंक ने भोले भाले ग्राहकों पर अपने होने वाले वित्तीय धोखाधड़ी के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए बीवेयर नामक एक पुस्तिका लॉन्च की है। तो RBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद या नोएडा? द राइट आंसर इज ए वाला, इट्स मुंबई, ठीक है, बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़े, ठीक है। तो देखो जरा अगला क्वेश्चन क्या है। विच बैंक हैज सैंक्शन अ लोन ऑफ रुपीज कितना, 1,000 करोड़, टू जम्मू एंड कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड टू वाइडन क्रेडिट ग्रोथ एंड फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अक्रॉस द नेशन? ठीक है, किस बैंक ने जम्मू एंड कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को देश भर में क्रेडिट ग्रोथ और फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए 1,000 करोड़ का ऋण मंजूर किया है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, फिर है आपका इंडियन ओवरसीज बैंक, फिर है इंडस लैंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए देखते हैं, द राइट आंसर इज बी वाला, इज इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है। चलो लेट्स मूव अहेड। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो हैज़ लॉन्च अ डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट विद द गोल ऑफ बूस्टिंग द क्वालिटी ऑफ बैंक बोर्ड्स, हु इज़ द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ BBB? बैंक बोर्ड ब्यूरो ने बैंक बोर्डों की गुणवत्ता बढ़ाने के लक्ष्य के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रबंधन के लिए एक विकास कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अध्यक्ष कौन है? BBB के राज किरण राय जी, सोमा शंकरा प्रसाद, रवि मित्तल, भानु प्रताप शर्मा, सुनील मेहता? जी द राइट आंसर इज भानु प्रताप शर्मा, कहाँ गए? डी वाला, ठीक है। आओ आगे बढ़ें। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, बैंक रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया हैज साइंड एन MOU विद इंडियन बैंक्स एसोसिएशन टू कोलाबरेट ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ऑन टॉपिक्स रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी एंड रिलेटेड सब्जेक्ट। हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ IBBI? इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने दिवाला, दिवालियापन और संबंधित विषयों से संबंधित विषयों पर वित्तीय लेनदारों के लिए क्षमता निर्माण पर सहयोग करने के लिए भारतीय बैंक संघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। IBBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अतुल कुमार गोयल, नवरंग सैनी, अरुण कुमार मिश्रा, सुरेश इन पटेल या रवि मित्तल? द राइट आंसर इज ई वाला, इट्स रवि मित्तल, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। तो विच बैंक हैज़ रोल्ड आउट द हाउस वर्क इज वर्क इनिशिएटिव टू ब्रिंग एजुकेटेड वुमेन टू वर्क फोर्स? शिक्षित महिलाओं को कार्यबल में लाने के लिए किस बैंक ने हाउस वर्क इज वर्क पहल शुरू की? ICICI बैंक, RBL बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक या एक्सिस बैंक? द राइट आंसर इज ई वाला, इट्स एक्सिस बैंक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉमस्कोर रिपोर्ट, विच कंपनी हैज़ द हाइएस्ट डिजिटल पेमेंट्स विद ओवर 45% पेनिट्रेशन इन फिनटेक? ठीक है, चलो देखते हैं। कॉमस्कोर की रिपोर्ट के अनुसार फिनटेक में 45% से अधिक पेट के साथ सबसे अधिक डिजिटल भुगतान किस कंपनी का है? तो सबसे ज़्यादा डिजिटल भुगतान किसका है? पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे या भारत पे? द राइट आंसर इज पेटीएम, ठीक है। तो क्रिसिल हैज़ प्रोजेक्टेड इंडिया GDP ग्रोथ रेट एट डैश फॉर 2023। क्रिसिल ने 2023 के लिए भारत की GDP विकास दर डैश होने का अनुमान लगाया है 7.8, 8.4, 9.5, 10.1 या 11.5? द राइट आंसर इज ए वाला, ठीक है। तो ये अपडेशन है 7.8% 23 के लिए, ठीक है। और कुछ हाल फिलहाल के GDP प्रोजेक्शन अलग अलग संस्थाओं के यहाँ मेंशन है, बाद में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
which bank has signed an MOU with Selco Solar Limited, a light private limited, to provide energy access to underserved population? किस बैंक ने वंचित आबादी को ऊर्जा की पहुंच प्रदान करने के लिए सेल्को सोलर लाइट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? करूर, व्यासा बैंक, साउथ इंडियन बैंक, कर्नाटका बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, फिर है आपका कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, आओ देखें, द राइट आंसर इज सी वाला, विच मीन्स वॉट, कर्नाटका बैंक। ठीक है, सिक्योरिटी यानी सेबी हैज रेज द इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स अप्लाइंग इन पब्लिक डेट सिक्योरिटीज इंश्योरेंस वाया द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, UPI कहते हैं, मैकेनिज्म टू रुपीज डैश फ्रॉम 2 लाख प्रीवियसली। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस तंत्र के माध्यम से सार्वजनिक ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने में आवेदन करने वाली खुदरा निवेशकों के लिए निवेश सीमा को पहले के 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया? 3, 3.5, 4, 4.5 या 5 लाख? देखें, द राइट आंसर इज ई वाला, 5 लाख। ठीक है, RBI has announced that National Bank of Finance Infrastructure and Development NABFID जिसे कहेंगे will be regulated and supervised as an All India Financial Institution AIFI कर दिया जाएगा by its under the section 45L and 45N of Reserve Bank of India 1934। इसके चेयरपर्सन कौन? NABFID, इसे AIF में शामिल कर दिया गया, All India Financial Institution AIFI में, और ये पांचवा है। ठीक है, चलो, प्रदीप शाह, जी के पिल्लाई, राजीव महर्षि, मुकुंदकम शर्मा या केवी कामत, कौन? देखो, द राइट आंसर इज ई वाला, इट्स केवी कामत। 2021 में इसकी स्थापना की गई है, किसकी? NABFID की। ठीक, आज भाई फाइनली हमारा ये सेक्शन खत्म हुआ और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रिलेटेड टू अवार्ड्स एंड ऑनर्स। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री awarded its award for sustainability excellence in energy management to Control S, a data center company. Control S company is based in कहाँ? Based है ये, तो Control S company कहाँ पे स्थित है आपको बताना है जिसको ये award दिया गया है? New Delhi, Mumbai, Hyderabad, Bangalore या Pune? The right answer is C वाला, it's Hyderabad। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। Which country's environmental lawyer Rizwana Hassan has been selected for the US International Award of Courage for 2022? So 2022 के अंतर्राष्ट्रीय विमेन अवार्ड फॉर करेज किसको दिया गया है? रिजवाना हसन को दिया गया है। ये कहाँ की हैं? इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या UAE? द राइट आंसर इज बी वाला, इट्स बांग्लादेश। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड। आंसर अपना चेक करते जाइए, सही है या गलत। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिटेन्ड इट्स नंबर वन स्पॉट इन द स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021? तो स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग स्कॉच की नंबर वन स्थान पे बरकरार है कौन सा स्टेट? यूपी, राजस्थान, गोवा, असम, आंध्र प्रदेश। सुबह ही मैंने बताया था, द राइट आंसर इज ई वाला, इज आंध्र प्रदेश। ठीक है, आओ आगे बढ़ें। तो अकॉर्डिंग टू स्वीडिश बेस्ड VM इंस्टीट्यूट रिपोर्ट टाइटल डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022, किस कंट्री ने टॉप किया है इस इंडेक्स में? ठीक है, लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में किस कंट्री ने टॉप किया है डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 के आधार पे? स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, कोस्टारिका या न्यूजीलैंड? द राइट आंसर इज ए वाला, इट्स स्वीडन। ठीक है, आओ आगे बढ़ें। तो ये आप देख सकते हैं, स्वीडन ने टॉप किया है, फिर डेनमार्क है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, स्वीडन, फिर है आपका डेनमार्क, फिर है नॉर्वे, फिर है कोस्टारिका और फिर है न्यूजीलैंड। ठीक है, चलो, भारत की रैंक 93rd है, आई थिंक क्वेश्चन होना चाहिए अभी एक, आओ बात करें। डिफेंस एंड साइंस न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
With which country India has conducted the 9th edition of naval exercise Slynex in Vishakhapatnam? किस देश के साथ भारत ने विशाखापट्टनम में 9वें नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स का आयोजन किया है? साउथ कोरिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, श्रीलंका, स्पेन। सब एसएस कर दिया ताकि गेस ना कर पाऊं। देखें द राइट आंसर इज डी वाला, श्रीलंका के साथ स्लाइनेक्स करता है। ठीक है चलो, और ये कुछ और एक्सरसाइजेस है अलग अलग देशों के साथ, बाद में पढ़ लीजिएगा इसको। चलिए लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन नेवी हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एक्सटेंडेड रेंज ऑफ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल फ्रॉम आईएनएस चेन्नई। हु इज द प्रेजेंट डीजी ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड? तो भारत नौसेना ने आईएनएस चेन्नई से विस्तृत रेंज ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, और ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के महानिदेशक कौन है? पवन गोयनका, जयंत पाटिल, राहुल वत्स, अतुल दिनकर राणे या ए के भट्ट? द राइट आंसर इज डी वाला, इट्स अतुल दिनकर राणे। ठीक है आओ बताएं। India's first indigenously developed flying trainer Hansa NG has successfully completed sea trials at Puducherry. It has been designed and developed by whom? तो किसने develop किया है Hansa NG को, जिसने हाल ही में पुदुचेरी में अपना sea trial complete किया है? NRDC, DRDL, HAL, DRDO या CSIR? किसने किया है Hansa NG का design तैयार? The right answer is E वाला, which means CSIR, Council of Scientific and Industrial Research, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने। ठीक है चलो आगे बढ़े। The Center for Development of Advanced Computing has designed and installed super computer named Param Ganga at कहाँ? Under Phase 2 of National Super Computing Mission। ठीक है, तो Center for Development of Advanced Computing ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के दूसरे चरण के तहत डैश में परम गंगा नामक एक सुपर कंप्यूटर डिजाइन किया है। कहाँ? आईटी बॉम्बे, धारवाड़, गुवाहाटी, गोरखपुर या रुड़की? चलो देखें, द राइट आंसर इज ई वाला, इट्स आईआईटी रुड़की। ठीक है चलो आगे बढ़ो। यून सुक योल को प्रेसिडेंट बनाया गया है किस देश का? आपको बताना है ये यहाँ क्यों आ गए हैं। तो इसके बारे में हमने शायद बात कर ली। द राइट आंसर इज ए वाला, इट्स साउथ कोरिया। ठीक है, ये शायद यहाँ गलती से यहाँ आ गया है। चलो, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट बने हैं वो। चलो स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक साथ। BCCI Indian Premier League Governing Council has announced Dash as an official partner of Tata IPL 2022. तो भारतीय जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है कि इंडियन प्रीमियर लीग ने, गवर्निंग काउंसिल ने डैश को टाटा IPL 2022 के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में नियुक्त किया है, घोषित किया है, नियुक्त किया है। रूपे, स्टार इंडिया, पतंजलि, पेटीएम या ड्रीम 11? का सही उत्तर ए वाला है, इट्स रूपे। ठीक है चलो आगे बढ़े। आरुषि वर्मा फ्रॉम दिल्ली हैज बीन सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया एट 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिक एक्सपेडिशन विच इज सेट टू बी हेल्ड इन मार्च 2022। कहाँ, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है वो? तो दिल्ली की आरुषि वर्मा को 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है, जो मार्च 2022 में आयोजित होने वाली है। ये वो किस खेल से संबंधित है? शूटिंग, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हाई जंप या जैवलिन थ्रो? द राइट आंसर इज ए, इट्स शूटिंग से संबंधित है वो। ठीक है आरुषि, चलो। पहली महिला क्रिकेटर जो 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप में खेलेंगी, नाम बताइए उनका। स्मृति मंधाना, मिथाली राज, झूलन गोस्वामी, शिफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर। पहली महिला क्रिकेटर और
तीसरी क्रिकेटर हैं दुनिया की जो 6 वर्ल्ड कप खेलेंगी, ठीक है? तो झूलन गोस्वामी 5 वर्ल्ड कप खेलेंगी, ये बता दिया, 6 वाला बताओ कौन? इट्स मिथाली राज। तो मिथाली राज पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं दुनिया की जो कि 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलेंगी, 22 वाला खेल रही हूँ, ठीक है? कौन कौन से खेले उन्होंने? 2000 वाला, फिर 5 वाला, 9 वाला, 13 वाला, 17 वाला और 22 वाला खेलेंगी, ठीक? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम इंडियाज 23rd वुमेन ग्रैंड मास्टर? तो 23वीं ग्रैंड मास्टर वेमेन कौन बनी है? प्रियंका नुटकी, तानिया सचदेव, पद्मिनी राउत, सौम्या स्वामीनाथन या दिव्या देशमुख? द राइट आंसर इज ए वाला, इट्स प्रियंका नुटकी, ठीक है? आओ आगे बढ़े। तो ये कुछ मेल चेस ग्रैंड मास्टर्स के नाम है यार दिए हुए, आप पढ़ सकते हैं। किसने ग्रैंडे साची कटोलिका इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट जो कि इटली में आयोजित किया गया है जीता है? आर प्रगानंदा, हर्षित राजा, भारत सुब्रमण्यन, एस आल नारायण, मित्रभा गुहा। अभी पीछे मैंने आपको बताया ना सारे ग्रैंड मास्टर्स के नाम दिए हैं भारत के, पढ़ लेना बाद में पीडीएफ से, ठीक है? दी इज द राइट आंसर, एस एल नारायणन, ठीक है? चलो आगे बढ़े। भारत ने कितने मेडल जीते हैं? बल पहले तो टॉप किया है ISSF वर्ल्ड कप 2022 कायरो इजिप्ट में टॉप किया है, और कितने मेडल के साथ टॉप किया है? 7, 8, 9, 10, 11। द राइट आंसर इज ए वाला, इट्स 7, 7 मेडल जीते हैं और टॉप किया है, ठीक है? कहाँ गया? तो 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता है और टॉप किया है। दूसरा स्थान नॉर्वे का है और तीसरा स्थान आपका फ्रांस का है, ठीक है? आ जाओ अगला क्वेश्चन, बुक्स और ऑथर से संबंधित होगा हमारा, ठीक है? चलो आगे बढ़े। बुक सारी एक साथ इसे नोट कर लेना। द ब्लू बुक राइट्स जर्नल नामक पुस्तक किसने लिखी है? रमेश थमिलमणि, अमिताभ कुमार, रमेश कंडोला, रोहन जे अल्वा, अश्विनी भटनागर। द राइट आंसर इज बी, अमिताभ कुमार की बुक है ये, ठीक है? द ब्लू अ राइटर्स जर्नल, ठीक है? क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थुप की ये बायोग्राफी किसने लिखी है? विकास कुमार झा, अनिरुद्ध सूरी, शांतनु गुप्ता, VL इंद्रदत्त, जयंत घोषाल। द राइट आंसर इज ए वाला, इट्स विकास कुमार झा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल ट्राई मायर्स इन BCCI किसकी ऑटोबायोग्राफी है? अरूप रॉय चौधरी, अनिरुद्ध सूरी, दीपम चैटर्जी, मिथिलेश तिवारी या रत्नाकर शेट्टी? द राइट आंसर इज ई वाला, रत्नाकर शेट्टी की ये बुक है, ठीक है? आओ आगे बढ़े। बायोग्राफी ऑफ लेट सोली सोराबजी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थे जो, ठीक है? सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स किसकी बुक है? दीपम चैटर्जी, अभिनव चंद्रचूड़, अमिताभ कुमार, विकास कुमार झा या मिथिलेश तिवारी? बात करें, द राइट आंसर इज बी वाला, इट्स अभिनव चंद्रचूड़, ठीक है? आ जाओ भारत की रैंक कुछ इंडेक्सेस में मार्च के दौरान। तो यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज रिलीज 9th एडिशन ऑफ डाउन टू अर्थ एनुअल स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट और इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022। तो इंडिया एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 को लागू किया है एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने। भारत का रैंक क्या है इसमें, ठीक है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 21 या सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 21 जो है आपका, इस रिपोर्ट के आधार पर भारत की रैंक क्या है? 76, 80, 84, 120 या 144? द राइट आंसर इज डी वाला, 120th, ठीक है? तो ये आपकी वो रिपोर्ट है, ये कुछ डिफरेंट इंडेक्सेस में आपके क्या हैं भारत की रैंक्स हैं। ये टॉप कंट्रीज हैं फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, बेल्जियम इस रिपोर्ट के आधार पे, ठीक है? और भारत की रैंक इसमें बताइए जो कि कितनी है, 120th है। फिनलैंड ने टॉप किया है।
चलो आ जाते हैं कुछ डेथ्स इस वीक की, उनको डिस्कस कर लेते हैं. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट लेजेंड शेन वॉन पास्ड अवे. वॉन हैज अ रिकॉर्ड ऑफ सेकेंड मोस्ट विकेट्स टेकन बाय एनी बॉलर इन टेस्ट क्रिकेट. शेन वॉन ने कितने विकेट्स लिए हैं, ठीक है, तो इनका हाल में निधन हुआ है, रिकॉर्ड वाला कितने विकेट्स लिए हैं, 700, 702, 704, 706 या 708. द राइट आंसर इज ई वाला, ठीक है, 708. जनरल सुनीत फ्रांसिस रॉड्रिग्स हु हैज सर्व्ड एज चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी पास्ड अवे. ही वॉज ऑल्सो द गवर्नर ऑफ कहाँ. तो जनरल सुनीत फ्रांसिस रॉड्रिग्स का हाल ही में निधन हुआ है, ये गवर्नर रह चुके हैं कहाँ के, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश या पंजाब. द राइट आंसर इज ई वाला, इट्स पंजाब के गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है. आओ आगे बढ़े. हाँ, रफीक तरार पास्ड अवे, इट शुड बी 80. तो ये कहाँ के, ये कौन थे रफीक, ठीक है, रफीक तरार, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जज, प्राइम मिनिस्टर, ऑल ऑफ द अबव या बोथ, ए एंड बी. ये भारत के नहीं हैं, पहले तो बता दूँ, ठीक है. द राइट आंसर इज ई, बोथ ए एंड बी. ये प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं पाकिस्तान के, ठीक है, पाकिस्तान के. आ जाओ, हमारा जो लास्ट सेक्शन है रिलेटेड टू डेज, ज़रा थोड़ी स्पीड रहेगी और हम सारे डेज को डिस्कस ज़रूर करेंगे, मार्च के जो इस वीक के हैं, ठीक है. आओ देखो, वर्ल्ड ओबेसिटी डे, विश्व मोटापा दिवस कब मनाते हैं, 3, 4, 5, 6, 7 आपको बताना है कब. द राइट आंसर इज बी वाला, 4 तारीख को हम वर्ल्ड मोटापा दिवस मनाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिंग डे ऑफ CISF कब मनाया जाता है, CISF का स्थापना दिवस 3, 4, 5, 6, 7 कब मनाते हैं आपको बताना है मुझे. चलो देखते हैं ज़रा कब मनाया जाता है ये. द राइट आंसर इज डी वाला, इज 6 मार्च, ठीक है. आओ आगे बढ़ें. जन औषधि दिवस कब मनाते हैं, 7, 8, 9, 10, 11 जन औषधि दिवस. द राइट आंसर इज ए वाला, इट्स 7 मार्च. अंतर्राष्ट्रीय वेमेंस डे कब मनाया जाता है, 7, 8, 9, 10, 11 बी, 8 मार्च, सबको पता है ना. अंतर्राष्ट्रीय वेमेन दिवस का थीम क्या था आपको मुझे बताना है. तो द राइट आंसर इज सी वाला, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, ठीक है. आओ आगे बढ़े. अंतर्राष्ट्रीय वेमेंस डे 8 मार्च को मनाते हैं, ठीक है. नो स्मोकिंग डे कब मनाते हैं, 2nd Monday of March, 2nd Tuesday of March, 2nd Wednesday of March, 3rd Day of March, 2nd Friday of March. सी मनाया जाता है, 2nd Wednesday of March, ठीक है, 9 मार्च को मनाया गया इस बार. वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया जाता है, 2nd Monday of March, 2nd Tuesday of March, 2nd Wednesday of March, 2nd Thursday of March या 2nd Friday of March. किडनी दिवस डी, 2nd Thursday of March को मनाया जाता है, ठीक है. वर्ल्ड किडनी डे 2nd Thursday of March जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, मनाया जाता है. तो गाइज, दिस वॉज द सेशन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा. इसे शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा. प्लस इसका PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम से. आप नेम टाइप करें, टेलीग्राम ज्वाइन करें, थोड़ी देर में वहाँ से अवेलेबल हो जाएगा. अब हम मिलेंगे हमारे मंडे वाले सेशन में, कितने बजे, 8 बजे. रेगुलर रहिए, रिविजन करते रहिए, ठीक है. और हमारी वेबसाइट test.ambitiousbaba.com को ज़रूर विजिट करिए. तो गाइज, मिलते हैं हमारे मंडे वाले सेशन में. तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए.